गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आई बुक के पेज नंबर 26 में एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इन ए क्लास टेस्ट प्लस 3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर्स एंड माइनस 2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। फर्स्ट, राधिका स्कोर 20 मार्क्स इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर। How many questions has she attempted incorrectly? Second, Mohini scores minus 5 marks in the test, though she has got 7 correct answers. How many questions has she attempted incorrectly? एक last test में plus 3 marks दिए जा रहे हैं हर एक correct answers के लिए and minus 2 marks दिए जा रहे हैं हर एक incorrect answer के लिए, और कोई भी marks नहीं दिए जा रहे हैं not question को attempt नहीं करने के लिए। First देखिए, first number क्या है, राधिका ने scored किए हैं 20 marks, ठीक है। अगर उसे कितने उसने दिए हैं 12 करेक्ट आंसर्स, मतलब 12 करेक्ट आंसर्स उसने दिए हैं, तो हमें फाइंड करना कि कितने क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किए थे इनकरेक्टली। सेकेंड, मोहिनी का स्कोर है माइनस 5 मार्क्स टेस्ट में, ठीक है, तो और उसने 7 करेक्ट आंसर्स दिए थे। अब हमें ये फाइंड करना है कि कितने क्वेश्चंस के आंसर्स उसने गलत दिए थे, मतलब कितने क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किए थे इनकरेक्टली, ये फाइंड करना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को हम। मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 करेक्ट आंसर, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 करेक्ट आंसर प्लस 3। मार्क्स जो अवॉर्डेड किए जाए फॉर 1 करेक्ट आंसर के लिए प्लस 3 है। मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 रॉन्ग आंसर्स रॉन्ग भी लिख सकते हैं, इनकरेक्ट भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है। मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 रॉन्ग आंसर माइनस 2 है। चलिए फर्स्ट नंबर देखिए, राधिका स्कोर ने कितना स्कोर किया है 20 मार्क्स लिखेंगे हम। राधिका स्कोर 20 मार्क्स, राधिका स्कोर 20 मार्क्स, तो टोटल मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 12 करेक्ट आंसर्स, टोटल मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 12 करेक्ट आंसर्स। राधिका का देखिए स्कोर है 20 मार्क्स और उसने कितने करेक्ट आंसर्स दिए हैं 12, तो टोटल मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 12 करेक्ट आंसर्स कितना होगा, 12 × 3, तो 12 × 3 = 36। अब हम फाइंड करेंगे मार्क्स अवॉर्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। मार्क्स अवॉर्डेड फॉर, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स कितना होगा, टोटल स्कोर में माइनस करेंगे टोटल मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 12 करेक्ट आंसर्स, ठीक है। तो मार्क्स अवॉर्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर इक्वल टू 12, टोटल स्कोर में माइनस करेंगे टोटल मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 12 करेक्ट आंसर्स, टोटल स्कोर कितना है 20, इसमें माइनस करेंगे टोटल मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 12 करेक्ट आंसर्स कितना है 36, प्लस माइनस क्या होता है माइनस 36 में 20 माइनस करेंगे बचेगा 16, ग्रेटर नंबर साइन माइनस है तो आ जाएगा माइनस 16, ठीक है। अब फाइंड करेंगे द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स मेड बाई राधिका, द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स मेड बाई राधिका कितना होगा,
माइनस 16 को हम डिवाइड करेंगे माइनस 2 से, तो देखिए माइनस 16 को जब हम माइनस करेंगे 2 डिवाइड करेंगे माइनस 2 से, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8। तो द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स मेड बाय राधिका कितना है? 8। ठीक है, मोहिनी सेकंड नंबर देखिए, मोहिनी स्कोर्ड माइनस 5, मोहिनी स्कोर्ड माइनस 5 मार्क्स, मोहिनी स्कोर्ड माइनस 5 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 7 करेक्ट आंसर्स, टोटल मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 7 करेक्ट आंसर्स, मोहिनी स्कोर्ड, मोहिनी कितना स्कोर कर रही है? माइनस 5 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स जो अवॉइड किए जाएंगे फॉर 7 करेक्ट आंसर्स के लिए कितना होगा? 7 3 21। मार्क्स अवॉइडेड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, मार्क्स जो अवॉइड किए जाएंगे फॉर इनकरेक्ट आंसर्स के लिए कितने होंगे? टोटल स्कोर में माइनस करेंगे हम, टोटल मार्क्स अवॉइडेड फॉर, टोटल मार्क्स अवॉइडेड फॉर 7 करेक्ट आंसर्स। ठीक है, टोटल स्कोर माइनस करेंगे, टोटल मार्क्स अवॉइडेड फॉर 7 करेक्ट आंसर्स, तो टोटल स्कोर कितना है? माइनस 5 में माइनस करेंगे 21, माइनस माइनस प्लस तो माइनस 26 आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स मेड बाय मोहिनी कितना होगा? माइनस 26 को हम डिवाइड करेंगे किससे? माइनस 2 से, तो माइनस 26 को डिवाइड करेंगे माइनस 2 से, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2 2 1 2 2 3 6, तो कितना आ जाएगा? 30। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से हम ध्यान से देखेंगे। मार्क्स जो अवॉइड किए जा रहे हैं 1 करेक्ट आंसर्स के लिए प्लस 3 है, मार्क्स अवॉइड किए जा रहे हैं फॉर 1 रॉन्ग आंसर्स के लिए माइनस 2 है, मतलब मार्क्स अवॉर्डेड किए जा रहे हैं जो फॉर 1 करेक्ट आंसर के लिए प्लस 3 है, और मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 रॉन्ग आंसर माइनस 2 है। राधिका स्कोर 20 मार्क्स, टोटल मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 12 करेक्ट आंसर्स 12 × 3 = 36, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स टोटल स्कोर माइनस टोटल मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 12 करेक्ट आंसर्स 20 − 36 − 16। द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स मेड बाई राधिका, माइनस 16 को हम डिवाइड करेंगे किससे? माइनस 2 से, तो आ जाएगा 8। मोहिनी स्कोर्ड माइनस 5 मार्क्स, टोटल मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 7 करेक्ट आंसर्स 7 3 = 21, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू 12 टोटल मार्क्स माइनस टोटल मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 7 करेक्ट आंसर्स। माइनस 5 में माइनस करेंगे 21, तो माइनस 26 आ गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 21 में 5 प्लस करेंगे 26, ग्रेटर नंबर साइन है माइनस। द नंबर ऑफ इट इनकरेक्ट आंसर्स मेड बाई मोहिनी, तो माइनस 26 को डिवाइड करेंगे माइनस 2 से, तो आ जाएगा 30। ठीक है, यही आपको फाइंड करना था और ये आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए होमवर्क है। एक्सरसाइज 1.4 आपकी कंप्लीट हो गई है और साथ ही सारी चैप्टर भी आपके लिए आपका कंप्लीट हो गया है। इसे एक बार घर में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बाद में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया है, एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट हो गई है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए होमवर्क है। इस चैप्टर को एक बार घर में अच्छे से लगाइएगा, बाद में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपने देखिए इस चैप्टर में पढ़ा है इंटीजर्स के बारे में, इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आर ए बिगर कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच इज़ फॉर्म्ड बाय होल नंबर्स एंड दियर निगेटिव्स। इंटीजर्स जो होता है एक बिगर कलेक्शन होता है नंबर्स का, जो फॉर्म्ड होता है बाई होल नंबर से एंड दियर निगेटिव्स से। ये हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो सेटिस्फाइड होती हैं बाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के द्वारा, वो दी हुई हैं। फर्स्ट,
इंटीजर्स आर क्लोज फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ. इंटीजर्स जो होते हैं वो क्लोज होते हैं फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ के लिए. दैट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर अगेन इंटीजर्स होंगे वेयर ए एंड बी आर कोई भी इंटीजर्स हैं. एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है इंटीजर्स के लिए. दैट इज ए प्लस बी किसके इक्वल होता है बी प्लस ए के फॉर ऑल इंटीजर्स ए एंड बी के लिए. एडिशन जो होता है वो एसोसिएटिव होता है फॉर इंटीजर्स के लिए. दैट इज ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होगा फॉर ऑल इंटीजर्स ए बी एंड सी के लिए. ये ग्रुपिंग हमने यहाँ चेंज की है, पहले ए और बी की ग्रुपिंग दे रहे हैं फिर बी और सी की यहाँ ग्रुपिंग दे रहे हैं, ठीक है इस तरह. और इंटीजर जीरो जो होता है वो आइडेंटिटी होती है अंडर एडिशन के. दैट इज ए प्लस जीरो करें या जीरो प्लस ए करें हमें ए ही मिलेगा फॉर एवरी इंटीजर ए के लिए, ठीक है. और कुछ प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लिकेशन की होती हैं. इंटीजर्स जो होते हैं वो क्लोज होते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन में. दैट इज़ ए इंटू बी जब हम करेंगे तो एक इंटीजर ही मिलेगा. दैट इज़ ए इंटू बी इज़ एन इंटीजर फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी के लिए. मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है फॉर इंटीजर्स के लिए. दैट इज़ ए इंटू बी करें चाहे बी इंटू ए करें फॉर एनी इंटीजर्स के ए एंड बी के लिए. मतलब ये ए इंटू बी करें चाहे बी इंटू ए करें दोनों की वैल्यू दूसरे के इक्वल होगी फॉर एनी इंटीजर्स ए एंड बी के लिए. द इंटीजर वन जो होता है इज आइडेंटिटी होती है अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिए. दैट इज़ वन इंटू ए करें या ए इंटू वन करें हमें ए ही मिलेगा फॉर एनी इंटीजर ए के लिए. मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो एसोसिएटिव होता है फॉर इंटीजर्स के लिए. दैट इज़ ए इंटू बी की ग्रुपिंग करें फिर इंटू करें सी से या फिर बी इंटू सी की ग्रुपिंग करें और इंटू करें ए से फॉर एनी थ्री इंटीजर ए बी सी के लिए दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है. तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है. ये देखिए अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इंटीजर शो ए प्रॉपर्टी कॉल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. दैट इज ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी फॉर एनी थ्री इंटीजर्स ए बी एंड सी, ठीक है. इस चैप्टर को आप घर में एक बार अच्छे से पढ़िएगा, बाद में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं.